नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। दोस्तों, आपने अभी तक तो खोए के ही गुलाब जामुन खाए होंगे, लेकिन त्योहारों के मौके पर जैसे कि रक्षाबंधन बिल्कुल ही करीब है, तो त्योहार पे मिलने वाला खोया बिल्कुल ही मिलावटी होता है। तो मिलावटी चीज़ों को खाने से बचने के लिए आज मैंने सूजी के गुलाब जामुन तैयार किए हैं, जो कि बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। इसे खाकर आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये खोए का गुलाब जामुन नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एकदम सॉफ्ट मुलायम गुलाब जामुन बनके तैयार हुआ है। इसे हम घर की ही चीज़ों से तैयार भी करेंगे। इसे बनाने के लिए हमें बाहर से कोई भी चीज़ लानी नहीं है। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया हुआ है छेना। तो मेरे घर में 1 लीटर दूध फट गया था, तो इसे हमने छान के इसका पानी अलग करके इसे लिया हुआ है। इसे हम आधा ही यूज करेंगे, थोड़ा सा, और थोड़ा सा बचा लेंगे। आपके पास यदि मेरी तरह से फटे हुए दूध का छेना न हो तो आप इसे स्किप कर लें। इसकी जगह आप चाहें तो पनीर को भी क्रश करके यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह खोया भी थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, और अगर दोनों ही न डालना चाहें तो आप उसे भी स्किप कर दें। तो छेना के अंदर हमने आधा चम्मच पिसा हुआ इलायची का पाउडर डाला है, 1 चम्मच बादाम को कूट करके डाला हुआ है, 1 चम्मच काजू और 1 चम्मच पिस्ते को हमने कूट करके डाला हुआ है, यूज किया हुआ है, और 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। और साथ ही में कलर के लिए हमने 2 से 3 बूंद डालेंगे इसके अंदर केसर का इत्र। मेरा केसर का इत्र ख़त्म हो गया है, तो आपके पास अगर है इत्र तो डालें, यूज करें, नहीं है तो इसे भी आप स्किप कर सकते हैं। और इसके अंदर कलर के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा पीला खाने वाला कलर 1 इंच के बराबर में, जिससे कि इसका कलर बहुत बढ़िया है। तो हमने स्टफिंग बढ़िया से मिक्स करके तैयार कर ली हुई है, बिल्कुल ही इसका कलर पीला पीला सा बहुत बढ़िया सा आया हुआ है। आपने देखा होगा कि बाज़ार में हलवाई लोग गुलाब जामुन के अंदर में कुछ न कुछ थोड़ी सी स्टफिंग करते ही हैं, जिससे कि गुलाब जामुन बहुत हल्का बन के तैयार होता है। तो अब हम बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी के लिए हमने भगोने में 1 कटोरी चीनी में आधी कटोरी पानी डाल करके इसे हम गैस पर रख देंगे, और इसे हम लगातार चलाते हुए धीमी आँच में पकाएंगे, जिससे कि चीनी कि चाशनी गाढ़ी हो जाए। इसे हम 1 या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनाएंगे, इसे बस थोड़ी सी गाढ़ी करेंगे। और इसके अंदर डाल देंगे कुछ धागे केसर के, जिससे कि चाशनी का कलर भी बहुत अच्छा लगे देखने में। और साथ ही में इसमें फ्लेवर के लिए आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाल देंगे, और चाशनी को बस हम थोड़ा सा ही गाढ़ा करेंगे। इसे हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। जब हम गुलाब जामुन तल करके इसके अंदर डालेंगे, तो जिससे चाशनी गुलाब जामुन अच्छे से सोख कर सके। तो चाशनी मेरी गाढ़ी हो गई है, अब हम गैस को बंद कर देंगे, इसे एक साइड में रख देंगे। अब हम बनाएंगे सूजी का डो। तो इसके लिए हमने 1 कटोरी सूजी ली हुई है, आप कोई भी सूजी ले सकते हैं जो भी आपके पास हो। और इसे हम एक पैन में डालेंगे, और इसके अंदर 2 चम्मच डालेंगे देसी घी, और सूजी को हम हल्का सा भूनेंगे। इसका हम कलर नहीं बदलेंगे, इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस रवा एक एक अलग हो जाए, हम इसे इतना ही भूनेंगे। बस हम सूजी का कच्चापन ही निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि रवा एक एक अलग होने लग गया है। तो अब इसके अंदर आप चाहें तो इसका डो बनाने के समय आप चाहें तो दूध का इस्तेमाल करें, आप चाहें तो पानी का। तो मैं इसके अंदर पानी ही यूज करने वाली हूँ। तो हमने इसके अंदर सबसे पहले 1 कटोरी पानी डाल के इसे फटाफट से चला लेंगे, और जब लगे कि डो टाइट है तो इसमें दोबारा से थोड़ा और पानी डाल देंगे। और इसे चलाते हुए आपको अंदाज लग जाएगा कि डो टाइट है, तो आप थोड़ा पानी और भी डाल सकते हैं। तो सूजी को हम लगातार दबाते हुए चलाएंगे, जिससे कि इसके अंदर गांठें न पड़ने पाए सूजी की, और ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी इस्तेमाल करेंगे। तो 1 कटोरी सूजी में हमने 2 कटोरी पानी डाला है, थोड़ा थोड़ा करके। तो सूजी का डो हमें सॉफ्ट ही बनाना है, जिससे कि गुलाब जामुन एकदम सॉफ्ट बन सके। कड़ा अगर रहेगा तो इसका गुलाब जामुन बढ़िया नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं कि सूजी कितने बढ़िया से खिली खिली सी फूल चुकी है। अब हम इसे हाथ से चिकना कर लेंगे, फटाफट से गर्म ही रहते हुए। अगर हम इसे ठंडा करके चिकना करेंगे तो ये बढ़िया चिकना नहीं होगा। तो इसे गर्म गर्म ही फटाफट हम हाथ से सान लेंगे इसका डो, जैसे कि हम आटा वगैरह सानते हैं। तो अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसका डो बढ़िया से बना है कि नहीं, एकदम चिकना गुलाब जामुन बनाने के लायक। तो इसके लिए हम थोड़ा सा डो अपने हाथ में घी या तेल लगाते हुए थोड़ा सा डो लेकर के इसकी लोई सी बना करके देख लेंगे, चेक करेंगे। अगर फट रही है तो इसे हम फिर से दोबारा थोड़ा सा पानी डाल करके डो को
मुलायम कर लेंगे। और इसके अंदर हमने दो दो चम्मच ही पानी दोबारा डाला हुआ है, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि पहले ही ऑलरेडी सूजी फूल चुकी थी। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट मुलायम हमने इसका डो तैयार किया हुआ है। तो अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। फाइनली सारी चीज़ें एकदम से तैयार हो चुकी हैं, तो अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे, गुलाब जामुन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे सूजी का डो, जितनी कि हम पूड़ी के लिए लेते हैं उतनी ही बड़ी इसकी लोई बना लेंगे और इसके अंदर स्टफिंग कर लेंगे थोड़ी सी। और जैसे हम पूड़ियों को भरते हैं उसी तरीके से भर के इसे आप चाहें तो राउंड कर लें और फिर चाहें तो आप इसे लंबे शेप में भी बना सकते हैं। तो हमने इसे लंबा ही बनाया हुआ है क्योंकि अधिकतर लोग गुलाब जामुन को गोल वाला ही बनाते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप इसे गोल बनाएं या लंबा। इसी तरह से हम बाकी के सारे ही स्टफिंग कर लेंगे। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये एक बार में ही एकदम से परफेक्ट सा बनके तैयार होता है, ज़रा भी इसकी स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। इसे आप चाहे राउंड करें या फिर लंबा, जैसे भी चाहें वैसे बना लें। तो इसे हमने बना के तैयार कर लिया हुआ है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हमने अपनी आँच पे एक कढ़ाई में देसी घी डाला हुआ है और आँच को हमने एकदम धीमा रखा हुआ है और धीमी ही आँच में हम इसे फ्राई करेंगे। तो एक एक करके हम सारे ही तैयार गुलाब जामुन को कढ़ाई में डालेंगे और आँच को धीमी ही रखेंगे पूरे टाइम, जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और इसे हम लगातार कढ़ाई में घुमाते हुए ही फ्राई करेंगे जिससे कि चारों ही ओर इसका कलर बिल्कुल ही एक सा है। आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल ही गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इसे हम गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसे डाल लेंगे सिरे के अंदर में और फिर दोबारा जो बाकी के बचे हुए हैं बिल्कुल ही सेम तरीके से इसे हम चलाते हुए लगातार अलटते पलटते हुए चलाएंगे और उसे भी तल लेंगे। और चाशनी के अंदर डालने के बाद इसके ऊपर हम चम्मच से चाशनी डाल देंगे जिससे कि चाशनी को गुलाब जामुन अच्छे से सोख कर सके। तो चाशनी के अंदर भी बर्तन में हम इसे थोड़ा सा हिला देंगे जिससे कि चाशनी अच्छे से सोख कर जाए गुलाब जामुन। आप देख सकते हैं गुलाब जामुन कितना बढ़िया फ्राई होके तैयार हो रहा है, कोई भी नहीं बता सकता कि ये खोए के नहीं है। तो गुलाब जामुन को हमने चाशनी के अंदर में 3 से 4 घंटे चाशनी सोख करने के लिए छोड़ दिया हुआ था। 3 से 4 घंटे बाद आप देख सकते हैं कितने नरम मुलायम स्पॉन्जी गुलाब जामुन बनके तैयार हुए। तो जब भी आप सूजी के गुलाब जामुन बना रहे हों तो इसके अंदर थोड़ी सी स्टफिंग ज़रूरी कर दें, इससे ये एकदम सॉफ्ट बनके तैयार होंगे। साथ ही में कोई बता नहीं पाएगा खाने के बाद कि ये खोए के नहीं है। और जब भी इसे फ्राई करें तो देसी घी में ही करें, तो एकदम मावे वाला गुलाब जामुन भी इसके आगे आपको फेल नज़र आएगा। तो देखने में भी लग रहा है ना एकदम मावे के गुलाब जामुन की तरह से, कोई भी नहीं बता सकता कि ये खोए का गुलाब जामुन नहीं है। अब आप इसकी गार्निशिंग चाहें तो किसी भी ड्राई फ्रूट से करें। तो हमने इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता लगाया हुआ, साथ में थोड़ी सी सिल्वर लिप्स लगा दी है जिससे कि ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एकदम दानेदार खोए के गुलाब जामुन की तरह से ही सूजी का गुलाब जामुन बनके तैयार हुआ है। तो जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो आप भी इसे फटाफट से बनाइए। आप देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट मिठाई बनके तैयार हुई है और इसे बनाना भी कितना आसान है और घर की ही चीज़ों से एकदम सॉफ्ट मुलायम। तो दोस्तों अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक